महानगरपालिकेचा धिक्कार असो, सरकारचा धिक्कार असो, आमची घर आम्हाला मिळालीच पाहिजे, आमची घर आम्हाला मिळालीच पाहिजे, घर आमच्या हक्काचं, घर आमच्या हक्काचं। अगर ऐसा नहीं हुआ लगभग मुंबई में 80,000 लोग रस्ते पे आ सकते हैं और महाराष्ट्र में सेना छोड़ेंगे नहीं, हम लोग रस्ते पे उतरेंगे सरकार के खिलाफ में। अधिवेशन चालू है, मेरी सरकार को विनती है ये समस्या को अधिवेशन में ही सॉल्व करो, इनको इनका हक मिलना चाहिए। जब आज जो SRA में पात्रता करके पास कर रहे 2000 के बाद के भी लोग, तो ये लोग तो 2000 पहले से रह रहे, झोपड़ा खरीदा इन्होंने, आज घर मिला है इनको फ्लैट, तो इसको निकालो मत, इनको कोई भी दंड लगा के इनको इनका घर देना चाहिए। विरोधी पक्ष लोगों को, नेताओं को भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मुद्दा उठा के इनको घर दो, अगर नहीं दिया और इनके घर को कोई तकलीफ आई तो मार्शल में सेना वहाँ पर खड़ी रहेगी इनके साथ, और फिर सरकार को अरुणा स्टाइल में फिर हम लोग क्या जवाब देंगे, वो देंगे, छोड़ेंगे नहीं, इनको घर मिलने तक हम इनके साथ रहेंगे। किस तरह से खाली करने का नोटिस है प्रेमिलाबेन जी, क्या नोटिस आया है, क्या कहना है? खाली करने का नोटिस आया। अच्छा, कल नोटिस आया, उसने दो दिन के अंदर खाली कर दो, हम कहाँ जावे, खाली करके किधर जाए, हमारे को घर में आदमी भी नहीं है, हम माँ बेटी दो ही है, हमारे को काम करने वाला भी नहीं है, तो हम कहाँ जावे, किधर रखे, तो हमको हमारे हमको मिलना चाहिए हमारा। आप कब से रह रहे हो? हम तो 25 साल से मैं रह रही हूँ। 95 से रह रहे हो? हाँ, इनका फोटो पास का पावती भी है, सब है। अच्छा, आपके पास क्या क्या है? पूरा है, सब पूरा है। अच्छा, फिर भी आपको? हाँ, काय झालं, तुमची समस्या काय? 3 नंबर बिल्डिंग मध्ये कोणी आता 15 नंतर पण घेतलेले, पण त्यांचं पण सोल्युशन होत आहे, समजलं, त्यांच्याकडे आहे लाईट बिल आहे काय काय आहे, पण त्यांच्यामध्ये त्यांचं पण व्हायला पाहिजे। ठीक है।